आंटी जी सो राम राम सलाम सत श्री अकाल, क्या हाल चाल मेरे भाई हो गए। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई लोग होंगे बढ़िया। गाइस आज के जो वीडियो का टाइटल देख के आप आए हो ना, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो में क्या अच्छा है क्या बुरा है आप में जो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, नए चैनल का लिंक है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैं आपको मिलता हूँ वीडियो के एंड में। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। नमस्ते, पैर क्यों छू रहे हैं आप? आप बड़े हो ना मेरे से। क्या? आंटी जी मैं एक बड़ी मुश्किल में हूँ, आपको मैंने बहुत दूर से देखा, बड़ी उम्मीदों के साथ आपके पास आया हूँ। आपसे एक छोटा सा काम है आंटी जी। कैसा काम? आंटी जी मारोगे तो नहीं ना आप? क्यों, अगर ऐसी कोई गलती होगी तो मार भी सकती हैं, ऐसी क्या? नहीं नहीं मारना मत। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, पहले पहले मेरे को वचन दो कि आप जो मैं बात पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दोगे, मेरी मदद करोगे। पहले वचन तो दो। वचन तो दो आंटी जी। काम होगा तो पिटाई भी करनी? नहीं 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 पिटाई नहीं करनी ना आंटी जी, हाथ तो दो, वचन तो दो। नहीं कोई वचन नहीं देते। वचन मदद नहीं करोगे अपने बच्चे जितने उम्र की? आप बताओ तो सही कैसे क्या? आंटी जी मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, मैंने उसको छोड़ दिया। तो क्यों छोड़ दिया, क्या बात होगी? वो मेरे को पसंद नहीं थी, उसकी जगह मेरे को एक दूसरी पसंद आ गई थी आंटी, तो मैंने आंटी को पटा लिया था। तो आंटी क्यों पसंद आई? आंटी में ऐसा क्या दिखा था जो आपने गर्लफ्रेंड को छोड़ दिया? अरे आंटी जो मेरी गर्लफ्रेंड थी ना करमोई, हरामखोर, तो वो ना मानती नहीं थी कोई भी बात, कहीं जाते थे ना तो आंटी नहीं थी, जो आंटी बनी थी ना मेरी गर्लफ्रेंड, तो हम कहीं पे भी जाते थे ना तो आंटी मेरे को सारी चीज़ें सिखाती थी कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। तो ये बात मेरे को उसकी अच्छी लगी, तो मैंने आंटी की गर्लफ्रेंड को छोड़ के उनके साथ दूसरे के साथ अफेयर रख लिया था, और उन्होंने अपने पति को नहीं बोली थी ये बात। तो अब ये मेरे को क्यों बता रहे हैं? मैं मुश्किल में आ रखा हूँ, जो आंटी थी ना उनके हस्बैंड को पता लग गया और वो मेरे को ढूंढ रहे हैं, तो मेरे को आप बताओ मैं उनसे कैसे बच जाऊँ प्लीज़ आंटी। मैं क्या बताऊँ, या आप मेरे साथ उनके साथ चलो, उनको बोलो हम दोनों हस्बैंड वाइफ। नहीं मैं किसी के बीच में नहीं पड़ती। नहीं नहीं आप उनको यूं बोलो, मैं आपको नहीं जानती, आप मेरे पास क्यों आए? अरे मैं हम नहीं जानते। आप उनको सिर्फ यूं बोलो कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और आपकी वाइफ। नहीं मैं नहीं बोल सकती, मैं कैसे बोल दूं? आप मेरे कोई हस्बैंड दिखते हो क्या? तो उनको बोल, अरे उनको उनके हस्बैंड को सिर्फ इतना पता है कि मेरे आंटियां पसंद है मेरे को। नहीं 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 फिर इतना नहीं कर सकते, मैं आपके पांव छू? नहीं नहीं मेरे पैर कोई छूने की जरूरत नहीं है, आप जाओ कहीं और। तो दिक्कत क्या है मेरी वाइफ बनने में? नहीं नहीं मैं आपकी आपकी मैं कैसे वाइफ बन सकती हूँ, आपसे मैं कितनी बड़ी एज में हूँ? कितनी उम्र है आपकी? मेरी 40 है। मैं कोई हाथ नहीं है ना, मैं भी 23 साल का हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार देख के नहीं। अरे ऐसे क्या है, ऐसे क्या है, दूर हो जाओ ऐसी। सुन तो लो, सुनो। नहीं नहीं मैं नहीं कर रहा, देखो 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 तो सही, आप कहीं देखो आप कहीं फंसे हुए हो ठीक है, कोई मुश्किल में ठीक है, जैसे आपने अपने हस्बैंड के साथ बिना बोल के बाहर अफेयर रखा हो, और अब अगर आप पकड़े जाओ तो आपके ऊपर क्या बीतेगी? आपका पति हूँ मैं मान लो, और आपने मेरे को धोखा दे दिया, तो आप किस तरीके से मेरे से बात? ऐसे सोचो, ऐसे मैं नहीं सोचती ना, मैं इस तरीके से तो ऐसे मैं फंस चुका हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान चल रहा हूँ। नहीं नहीं मेरे से दूर हो आप, मेरा घर टूट जाएगा आंटी, प्लीज आंटी भगवान को मानो आंटी, आंटी मेरे से दूर हो, चलो आंटी बता दो। सर को पता है क्या करना है, देखो मेरी बात सुनो, वहाँ पे चलना है और आपको बोलना है कि मैं इसकी वाइफ हूँ, हम दोनों ने शादी। किस तरीके से बात करते हैं मेरे से? शादी किस तरीके से बात करते हैं मेरे से? बोलो कि हम दोनों की शादी होगी। नहीं शादी होगी मेरे से ना, इस तरीके से आप बात नहीं कर सकते ठीक है? हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ट्रेडिंग एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है अपस्टॉक, जिस पे आप घर बैठे ट्रेडिंग करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। दोस्तों अपस्टॉक के 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स हैं प्ले स्टोर पर और 7 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, और दोस्तों एक हाई रेट ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जिसमें आपको एक फ्री डीमैट अकाउंट भी मिलेगा, जिसमें आपको पैन कार्ड और कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी, और दोस्तों इसमें आपको एक स्मार्ट ट्रांसफर फीचर मिलेगा जिससे इंड्यूस स्टॉक्स अकाउंट खुलेगा, जिसको होने पर आपको अपने सेविंग में से पैसे भी नहीं निकालने होंगे, और दोस्तों 250 में आपको 400 का ब्रोकरेज क्रेडिट मिलेगा, और ऐसे ही आपको 2500 तक का ब्रोकरेज क्रेडिट मिलेगा। इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, अभी जाके विजिट करो। अरे मैं आपकी देखो कल आईफोन लाया हूँ आपके लिए, किसकी तरह लगते हो, किसकी तरह लगते हो आंटी? इतनी बुजुर्ग आंटी थोड़ी हो आप, तो हॉट लग रही हो ऐसे। ऐसे
देखो मैं देखो मैं बदतमीजी नहीं है, देखो मैं आपको बिल्कुल तमीज नहीं किस तरीके से। देखो मैं किसी लड़की के साथ जाऊंगा ना, देखो मैं जाओ जाओ कहीं भी जाओ मेरे से दूर, मैं अगर किसी आंटी के साथ जाऊंगा तो वो यकीन करेगा उसका हस्बैंड मेरे को कुत्ते की तरह ढूंढ रहा है, आंटी आप मेरे बड़े, नहीं नहीं मेरे से दूर हो जाओ, आंटी भगवान को मानो, आंटी आंटी मेरी मदद कर दो आंटी। देखो आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको एक चॉकलेट खिलाऊंगा, पांच नहीं नहीं मुझे कोई, हुक्का पीती हो, हुक्का पीती हो, मैं जब कहती हूं आंटी मैं अभी एक थप्पड़ लगाऊंगी, खींच के भी चले जाओगे सीधे, किसी से ही पूछो हम दोनों अच्छे लग रहे हैं, अंकल से पूछो, गर्लफ्रेंड नहीं बनना, वाइफ बनना है, सीधा सीधा वाइफ बनना है आपको, देखो सिर्फ दो मिनट के लिए बनना है और आपको मैं जब कह रही ना मेरे से ना, देखो चॉकलेट मैं खिलाऊं, पांच मिनट के लिए वाइफ बनोगी, ₹5 वाला चॉकलेट, ₹10 वाला चॉकलेट। अब तू मेरे पीछे पड़ो, मैं कल एक हुक्का भी लाया हूँ आंटी, दोनों साथ पियेंगे, क्या बात है, चप्पल जूते पड़ेंगे अब तब समझ में आएगी आपको, मैं क्या बुरा लग रहा हूँ आपको, जब भी कह रही ना इतना प्यार करूंगा आपको आंटी, आप खुश हम खुश हो जाओगे, देखो आंटी नहीं नहीं ये नहीं, देखो मैं पता है क्या कह रहा था कि अगर हम दोनों एक हो जाएं तो बात ही अलग हो जाएगी, समझ नहीं आ रही, तुम ये बात कर रहे हो मेरे से, आंटी एम्बुलेंस बुलाओ मैं मर गया आंटी, देखो ठीक है ये आंटियों से ऐसी बात नहीं की जाती है, मैंने तो आंटी कुछ बुरा बोला ही नहीं आपको, तो मैम आप मेरी मदद तो कर दो प्लीज, मैं आपकी ना कोई इस मामले में मदद नहीं कर सकती, ठीक है मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आया, ठीक है आपकी, आप मेरी माँ क्यों मारती हो, लेकिन माँ तो नहीं हो ना मैम, क्यों माँ जैसी तो हूँ ना, देखो आप मेरी मदद करोगे कोई बुरी बात है, देखो 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 मैं इस टाइम फंस चुका हूँ, उसकी जो वाइफ थी ना उसका मेरे साथ अफेयर था, तो उसके पति को पता लग गया, अब मैं अकेला रहूँगा कब तक रहूँगा, तभी मैं कह रहा था कि आप मेरे साथ उसके सामने चलो, उसको बोलो कि मैं मतलब हम दोनों वाइफ हस्बैंड वाइफ है, नहीं मैं ऐसी बात नहीं बोलती, तो सच में बन जाओ, अकेले कब तक रहोगे आंटी, क्यों अकेले क्यों हमारे साथ मेरा, अभी यहाँ पे अकेले हो ना, हम अपने इधर आए हैं थोड़ी देर के लिए ऐसे टाइम पास करने, आप कहाँ से आ गए मेरे पास, नहीं तो मैंने देखो मैंने आपको यूँ बोला है कि देखो हम दो अगर एक हो जाए तो बात ही अलग हो जाएगी, मतलब देखो आई लव यू आंटी, आई लव, आंटी देखो मेरे को किसी बड़े मनुष्य ने बोला आंटी से पार करना कोई बुरी बात नहीं, पीछे क्यों पड़ के रहोगे, मैं आपको जानती नहीं पहचानती नहीं, क्यों आप मेरे पीछे, आपसे प्यार होने लगा आंटी, आप चाहते क्या हो, मेरी मदद करोगे नहीं, नहीं मैं किसी की ऐसी मदद नहीं करती, ठीक है आंटी, आंटी प्लीज आप मेरी मदद करो, मैं आपको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे दे दूँ, मैं पैसे का काम नहीं करती, ठीक है ठीक है, अच्छा आपका नाम क्या है, हा? आपका नाम क्या है, मेरा नाम किरण, ठीक है हम दोनों दोस्त बन सकते हैं, ऐसे दोस्त तो बना लो, आंटियों से प्यार करना, आंटी आंटी लगा आंटी आंटी बोलते हो प्यार की बात करते, शर्म नहीं आती आपको, मेरे को पता है आपको मैं पसंद आने लगा हूँ, इतना क्या बात, एक मिनट, अच्छा सुनो मैं आपको एक बात बोल रहा था, मैम ना एक आई लव यू आंटी, समझ नहीं आ रही आपको क्या हो गया, पीछे पड़े हो आप, चलो जाओ अपने घर जाओ मेरे पास मत आओ, तो आप ही तो चलोगे मेरे घर मेरे साथ, हम दोनों का घर एक ही तो है, हम दोनों का घर एक नहीं, आपको अब पूछ समझ नहीं आया हो गया, अच्छा सुनो हम दोनों क्या बात है, क्या बात है, हम दोनों चलते हैं कॉफी डेट पे, मजा आ जाए, डेट पे नहीं कॉफी डेट पे नहीं चलो, नहीं जाना कहीं नहीं जाना, जाओ अपना घर जाओ, अच्छा सुन तो लो आंटी जा रहा हूँ, आपके कसम, आपके कसम जा रहा हूँ, अगर मैं नहीं गया तो आप स्वर्गवास हो जाओगे,
अगर मैं नहीं गया तो आप स्वर्ग हो जाओगे। क्या बोले तुम? आंटी मैं ये कह रहा था मान जाओ नहीं तो मैं आपका बैग नहीं दूंगा। बैग लेना आपको? बैग लेना? बैग लेना? कैसी लगी मेरे भाइयों को ये वीडियो? उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। और गाइस जो आंटी को लगी थी चोट आई थी तो वो मैंने पट्टी मरम पट्टी सब कुछ करवा के आया हूँ और परमिशन लेके आया हूँ। ज़्यादा उनको नहीं लगी, हाँ फिर भी थोड़ी बहुत लगी, हमारी वजह से उनको थोड़ा मुश्किल रहा थोड़ा बहुत, तो उनके लिए हमने उनको बहुत बहुत सॉरी बोला है। और आप भी उल्टे वे में मत लेना, बहुत ही ज़्यादा सॉरी बोला है। और उनका जो भी है दवाई सवाई मैंने लेके दी है और अभी उनको छोड़ के दोबारा आया हूँ इंट्रो के लिए। तो वीडियो अगर आप लोगों ने एंजॉय करी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। मैं आपको मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।